हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रोग्राम यूथ कनेक्ट। हम सब चाहते हैं कि हमें हर कोई पसंद करे, हमारी बात सुने, हमें अच्छा कहे, हमारी हर चीज़ को पसंद करें। तो ये किस तरीके से किया जा सकता है? हमारी पर्सनालिटी कैसी हो कि हमें सब पसंद करें? और ये सबको चाहिए है एक गुड, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, फैबुलस पर्सनालिटी। किस तरीके से बन सकती है एक शानदार व्यक्तित्व? किस तरीके से बनाया जा सकता है जो सबको पसंद आए और हमें भी ये चीज़ बहुत पसंद आए? आइए आज इस चीज़ पे चर्चा करते हैं। वेलकम टू द शो भाई जी। ओम शांति। भाई जी, मुझे आज एक चीज़ आपसे पूछनी है जो हम सब चाहते हैं कि हमें हर कोई पसंद करे, हमें हर कोई अच्छा कहे, हमारी बात हर कोई सुने। तो इस चीज़ के लिए एक अच्छी पर्सनालिटी की ज़रूरत है, अच्छी अट्रैक्टिव फैबुलस पर्सनालिटी, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी की ज़रूरत है। वो किस तरीके से, एक शानदार व्यक्तित्व किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसके बारे में आज आप हमें बताएंगे। और क्या इसके लिए हमें कुछ दिनों का, हम एक सीरीज़ चला सकते हैं, एक चैलेंज ले सकते हैं कि सर्टन अमाउंट ऑफ डेज तक हम हर रोज़ पर्सनालिटी ट्रेट्स, एक एक पर्सनालिटी ट्रेट्स पे वर्क करेंगे और धीरे धीरे अपने उतने दिन के चैलेंज में अपनी पर्सनालिटी को चेंज होता हुआ देखेंगे। बिल्कुल। इसके लिए हम एक 21 डेज का चैलेंज ले सकते हैं, है ना, कि एक एक चीज़ हम कैसे डेवलप करें अपने अंदर जी। क्योंकि जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, किसी को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, किसी को मिलकर फील होता है कि बहुत अच्छा लगा, शायद हम जानते नहीं थे उसको, लेकिन किसी व्यक्ति को हम देखते हैं लगता है कि इससे आगे ना ही देखे तो अच्छा है, इससे आगे ना ही मिले तो अच्छा है जी, जी। तो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं और हम कैसे अपने अंदर वो पॉजिटिव पॉजिटिविटी लेकर आएं, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं ताकि लोग हमारी बात को समझें या हमारे साथ बात करना उनको पसंद में आए, है ना। तो इसके लिए हम अलग अलग चीज़ें लेंगे। आज पहली चीज़ जो हम लेकर आएंगे, दैट इज़ स्माइल। So first personality trait, yes, which we have to, good personality trait which we have to get in ourselves is smile. Smile. Okay. मुस्कुराना। जैसे ही हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं कि एक व्यक्ति को हमने देखा जिसके चेहरे पे स्माइल है, हमें अच्छा लगता है जी, है ना, हमें अच्छा फील होता है, हमें लगता है कि हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, हसमुख चेहरा, और हमारे चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है उसको देख कर। इसलिए छोटे बच्चे सबको पसंद आते हैं, बिल्कुल छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनके चेहरे पे आप देखेंगे जिसके चेहरे पे स्माइल है, रोता हुआ कोई किसी को पसंद नहीं आते हैं बच्चे जी, जी। जिनके चेहरे पे स्माइल है वो इनोसेंस है। अब वो जो छोटा बच्चा है वो क्यों स्माइल कर रहा है? ऐसा नहीं है कि उसको बहुत कुछ मिल गया है या उसने बड़ी गाड़ी खरीद ली है या उसका नेम फेम बहुत है इसलिए वो स्माइल कर रहा जी, है जी। नहीं, वो सिर्फ प्रेजेंट में है, मतलब उसका ध्यान खुद पे है सिर्फ जी। तो वो ये एक वर्च्यू, ये एक गुण हमें अपने अंदर लेकर आना है कि अलग अलग सिचुएशंस चलेंगी जीवन में पर हमारा चेहरा चेंज ना हो, हमारे चेहरे पर वो उदासी या खुशी अगर हम देखेंगे ना दिन भर में गायब होती रहती है, हम स्माइल करना ही भूल जाते हैं कई बार। तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे आज पूरा दिन भर कि कुछ भी हो जाए पर हमारे चेहरे पर वो स्माइल रहे। उसके लिए कोई एक्टिविटी है, कोई एक सर्टन वो अभी आप प्रैक्टिस कराने का तरीका बता सकते हैं कि हमारे दर्शक भी साथ साथ कर लें? हाँ, देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटी सी हम प्रैक्टिस ये कर सकते हैं कि आज दिन भर में हमें 15 टाइम्स 15 बार कॉन्शियस एफर्ट करना है स्माइल का, कॉन्शियस एफर्ट कि हम एक घंटे के बाद, हम कह सकते हैं एक घंटे के बाद एक मिनट रुकेंगे और सिर्फ अपने आप को एक थॉट देंगे स्माइल। जैसे ही हम अपने आप को ये बोलेंगे कि क्यों, खुद से बात कर सकते हैं ना, क्यों दुखी हैं हम, क्यों परेशान हैं, और मन को चेक करना कि कोई भी बात चल रही है किसी कारण खुशी गायब है तो मन को समझाना कि कोई बात नहीं, लेट गो करिए, है ना, छोड़ दीजिए उसको, स्माइल। तो जैसे ही हम स्माइल करते हैं आप देखेंगे मन हल्का हो जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक होगा ये। हाँ, जैसे ही हम स्माइल करते हैं हमारा मन हल्का हो जाता है। तो आज हम 15 टाइम्स एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे स्माइल जी, और देखेंगे अपने आप को, शीशे में भी देख सकते हैं वैसे, बट बिना शीशे के भी हमें पता लग जाएगा कि हम स्माइल कर रहे हैं, रास्ते में हो, सड़क पे हो, घर पे हो, किसी वर्क प्लेस पे हो, बट वी हैव टू स्माइल, ट्राई पुटिंग एन एफर्ट टू स्माइल आफ्टर एवरी आवर। यस यस।
मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, मैं ये चीज़ कोशिश करती थी करने की कि स्माइलिंग फेस जब भी मैं किसी को देखूं, चाहे वो नोन हो चाहे वो जैसे रैंडम किसी से भी एक बार आई कांटेक्ट हो जाता है तो आई यूज्ड टू गिव स्माइल. बट इन रिटर्न कुछ लोग ऐसे होते हैं, इवन इफ यू गिव देम स्माइल दे विल बी लाइक वेरी बैड फेस. सो फिर उसमें ना मेरे अंदर एक थॉट क्या है, ये गुस्सा मुझे कि ये क्या है यार, मेरे को करनी नहीं है ऐसे बंदे को स्माइल. नहीं नहीं, देखो हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं ना, अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा हम गलती क्या करते हैं. जैसे ही हम कुछ अच्छा काम करना शुरू करते हैं हमें लगता है कि हमें या तो वैलिडेशन मिले यू नो, या सामने वाला रिस्पॉन्स तो ठीक कर दे. हाँ नहीं वो नहीं ना, अब हो सकता है आपने ये क्लास या सेशन सुना हो, उसने नहीं सुनी है ये बात. जी जी, उसकी लाइफ में पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है. तो मुझे जब भी मान लीजिए हमने ये प्रैक्टिस की, जैसे एक फूल का एग्जांपल अगर हम ले, एक फूल है वो ये नहीं कहता है कि मैं खुशबू दे रहा हूँ तो सामने वाला भी खुशबू दे, ऐसा नहीं है ना. हाँ वो जस्ट उसकी नेचर है. हाँ जी, ऐसे ही खुश रहना हमारी नेचर है एक्चुअल में. कई लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम स्माइल करते करते थक जाते हैं ऐसा भी है. बट हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल स्माइल की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको प्लास्टिक स्माइल बोलते हैं. हाँ, फेक स्माइल है ना. जैसे आजकल आप देखेंगे कि अगर हम फ्लावर भी किसी को देते हैं तो आजकल प्लास्टिक वाला ज्यादा देते हैं, ज्यादा समय चलता है. और आजकल तो मीट एंड ग्रीट में फेक ही. ओह दैट्स वेरी मच, यू कैन सेंस द फेकनेस इन द स्माइल्स एंड ग्रीट्स. तो हम जो बात कर रहे हैं ना वो रियल स्माइल की बात कर रहे हैं, फ्रॉम इनसाइड इनसाइड की खुशी. इसके लिए अपने आप को एक थॉट देना है बार बार, हैप्पीनेस इज माई ट्रू नेचर, है ना. आत्मा का स्वरूप ही खुशी है एक्चुअल. और खुशी का मतलब हंसना, स्माइल. हाँ, खुशी का मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों. अब कई लोग क्या बोलते हैं, वो कहते हैं हम अंदर से तो खुश हैं बाहर से नहीं दिखा रहे हैं है ना. कई लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा चेहरा ही ऐसा है. हाँ, या हाँ. कई लोग कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये. बहुत कुछ. हाँ जी, बहुत कुछ. तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, क्योंकि जो हमारे मन पे होता है, कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि अगर मन शांत है, अगर आप खुश हैं, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, तो वो चेहरे से भी रिफ्लेक्ट होगी फेस पे. तो दोनों चीज़ें हमें करनी है कि इंटरनल भी मैं खुश हूँ, स्माइल करते हुए एक थॉट क्रिएट करना है माय हैप्पीनेस या हैप्पीनेस इज माय ट्रू नेचर एंड सेकंड माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट. ये मैंने एक बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट कह लीजिए या एक बहुत अच्छा इस ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने नोटिस करी है वो यही है कि एक स्माइल के साथ ओम शांति जब कहते हैं ना अननोन, आई मीट ऑल अननोन पीपल अराउंड हेयर, और जब मैं जिसको जानती नहीं और वो मुझे स्माइल करके ओम शांति एंड विद सच अ स्वीट पॉजिटिव वॉइस दे से ओम, आई फील so good and I feel so connected with that soul. Right. ki wow, so much of positivity. ये Brahma Kumari organization का जो एक message है, जो followers हैं, जो non-followers हैं, if you guys are listening, trust me, ये इतनी ज़्यादा viral चीज़ है in terms of happiness. जिस तरह से smile करके यहाँ पे सब एक दूसरे को greet करते हैं और meet करते हैं ना, even to the unknown people, that's very very beautiful. बिल्कुल, देखो actual में पहली तो यही शुरुआत है ना कि देखो आप आध्यात्मिक हैं या नहीं, spiritual है या नहीं. मैं कहूँ कि हाँ मैं spiritual हूँ या मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, कहना अलग चीज़ होती है. मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली और बातें मुझे सारी याद है लेकिन मैं खुश ही नहीं हूँ अगर, या सबसे पहला स्टेप तो यही है ना, आप किसी से मिलेंगे सबसे पहले तो आप उसको ग्रीट करेंगे. जी, अगर आप खुशी स्माइल ही नहीं कर सकते हैं सामने वाले के, आप किसी को ओम शांति या गुड मॉर्निंग स्माइल के साथ नहीं कह सकते हैं, तो फिर एक्चुअल में आप आध्यात्मिक है ही नहीं. है नहीं. तो आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन का मुझे लगता है कि सबसे पहला स्टेप ही आप लोगों का ये है कि किसी को भी देखते ही, क्योंकि बात बात तो बाद में शुरू होती है, पहले आई कांटेक्ट होता है, देखते ही स्माइल करके ओम शांति बोलेंगे तो एक फर्स्ट कनेक्शन तो आप बना ही ले जाएंगे उससे पॉजिटिव. और जब हम ओम शांति शब्द भी बोलते हैं ना, है ना, ओम का मतलब क्या होता है, आई एम एनर्जी या मैं आत्मा हूँ. Okay. और शांति का मतलब होता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ. मैं शांत स्वरूप आत्मा. तो जब हम ओम शांति बोलते हैं तो इसका मतलब ही ये है कि हम पहले तो खुद ये फील कर रहे हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी या आई एम नॉट दिस रोल, जो भी मुझे मिला है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. हाँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, प्लीज गाइस लिसन टू इट वेरी. और सामने वाले को भी जब हम देख रहे हैं, चाहे वो गुस्सा कर रहा है चाहे वो गलत बोल रहा है, बट ओरिजिनल जो है वो भी आत्मा है और आत्मा का स्वधर्म शांति ही है
ना, तो जब हम खुद भी ये फील करते हैं, सामने वाले को भी उस नज़र से देखते हैं जी जी, तो ऑटोमेटिक वो कनेक्शन फील होता है। सो बेसिकली ये जो हम ओम शांति बोलते थे, मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि पीस स्प्रेड करने के लिए भी से ओम शांति, वो मुझे आज पता चला है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मीनिंग टू इट। और पीस स्प्रेड भी होता है, देखो जब हम कैसे स्प्रेड करते हैं कोई भी चीज़, अगर मैं शांत हूँ तो मुझसे शांति स्प्रेड होगी, अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो क्या होगा, मैं जहाँ भी जाऊँगा मुझसे गुस्सा ही स्प्रेड होगा। ऐसा होता है ना कि एक कमरा है, मान लीजिए एक व्यक्ति आया गुस्से वाला, अब क्या हुआ, सारे वाइब्रेशंस चेंज हो गए वहाँ पर, तो जो हम फील करते हैं वो हमसे रेडिएट होता है। तो इसलिए ओम शांति मतलब कि आप शांत, मतलब ये याद दिलाना अपने आप को कि शांति मेरी ओरिजिनल नेचर है। खुशी भी जो हमने बात की ना, स्माइल, कि शांति एंड खुशी ये आत्मा की ओरिजिनल नेचर है, तो जब ये हम एक्सपीरियंस करते हैं तो रियल स्माइल हमारे चेहरे पर आती है। आज द चैलेंज फॉर टुडे इज कीपिंग अ स्माइल ऑन योर फेस कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, एंड आफ्टर एवरी आवर द प्रैक्टिस इज आफ्टर एवरी आवर वंस यू नीड टू स्माइल, एंड ट्रस्ट मी एवरीवन आउट देयर कि ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस चीज़ है, ये ऐसे स्प्रेड होती है और बहुत पॉजिटिवली स्प्रेड होती है, आपको भी पॉजिटिव करती है, सामने वाले को भी पॉजिटिव करती है। तो जैसे आपने बताया, मैं तो थोड़ी हसमुख हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं, पर मैं अब इस चीज़ को थोड़ा और बेटर वे में करूँगी, दैट हुसोएवर आई मीट, वेदर दैट पर्सन इज नॉट गिविंग मी अ ब्यूटीफुल स्माइल और नॉट, दैट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने स्माइल की उसने भी की तो हम और स्माइल कर रहे हैं, yes. लेकिन मैंने स्माइल की उसने नहीं की तो हमारी स्माइल गायब हो जाए, मेरी हो जाती थी। तो अब मेरे को तो अपने लिए करना है कि आई यूज्ड टू स्माइल सीइंग एवरीबॉडी हुसोएवर आई मीट एंड गो थ्रू, बट नाउ आई वोंट बी इफेक्टेड इफ द अदर पर्सन इज नॉट गिविंग मी द स्माइल बैक, आई वोंट बी इफेक्टेड। तो आज का पहला हमारा ये हो गया है, अब कल मैं आपको बताऊंगी कि मेरा पूरा दिन मैंने कितना कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, आप लोग भी अगर आपका कोई इसमें क्वेश्चन या कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम या कुछ भी, अपना एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर करिएगा और मैं कमल भाई के साथ आपके एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू कमल भाई जी, धन्यवाद, ओम शांति।